शाहीन शाह आफरीदी कसाफी स्टेडियम में मौजूद है। शाहीन शाह आफरीदी इस वक्त बातचीत करें। शाहीन बेहतर नहीं होता कि सीनियर्स प्लेयर्स जो है वो खुद जो है थोड़ा आराम को खासकर इस सीरीज में खासकर क्योंकि वैसे भी इसके टीम जो है वो नंबर वन टीम जो पहले लड़के हैं खासकर नए लड़के ज्यादा हुए हैं तो आप एज अ सीनियर प्लेयर जो है रेस्ट करते हो जो बेंच पे बैठे प्लेयर्स हैं उनको मौका मिलता है जैसे शाहीन शाह खासकर काफी देर से जो है वो तालीम बेंच के ऊपर ही है। देखिए पहली तो यह बात टीम की मैं करूंगा कोई कमजोर या वो टीम नहीं होती जूनियर टीम नहीं आती इंटरनेशनल टीम इंटरनेशनल होती है जब भी आती है वो एक आपके खिलाफ खेलने आती है तो वो उनकी स्ट्रांग टीम होती है डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए कोई अंडर 19 के बच्चे बुला लेते तो वेस्ट इंडीज की टीम स्ट्रांग है जो उनके पास अभी साइड अवेलेबल है जो उनकी स्ट्रांग टीम है वही आ रही है। तो दूसरी ये बात है कि ये वर्ल्ड कप के मैचेस है और ये हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आई थिंक क्वालिफाई के मैचेस है तो ये आपको लॉस नहीं करने चाहिए ये मैचेस तो ये काफ़ी ज़रूरी मैचेस है और जाहिर सी बात है अगर आपको जब भी रेस्ट का मौका मिलता है वो आपको मैनेजमेंट दे देता है तो हमारी यही कोशिश होती है कि जब भी हम खेले पैड से खेलें मेरा तो यही होगा कि मैं 3 मैच में 15-16 आउट करूं और बेस्ट बॉलर बन लेकिन इस फनी वो बस यही है कि देखिए जाहिर सी बात है जब भी मौका मिले हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि टीम के लिए अर्ली ऑन ब्रेक थ्रू दूं और जब भी मुझे बॉल मिले आऊं और विकेट लूटी हूँ। इतनी तेज का भी नहीं सोचा कि इतनी तेज करूँ बट ये है कि स्पीड से कुछ नहीं होता जो मेरा अपना है कि स्पीड से कुछ नहीं होता अगर आपके पास लाइन और लेंथ नहीं है स्विंग नहीं है तो आप बैट्समैन को इजी बेट नहीं कर सकते। अगर आप देख ले जितना भी तेज हो उसको भी पॉइंट पे चक्का मिलता है 130 वाले को भी पॉइंट पे चक्का मिलता है। सो मेरी यही होती है कि जाहिर सी बात है फिटनेस पे काफी काम कर रहा हूँ जितना मैं अपनी फिटनेस पे काम करूँ उतनी मेरे पेस भी ज्यादा इंक्रीज हो रही है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिट रहूँ स्पीड भी आ जाएगी स्विंग और लाइन और लेंथ भी अच्छी होगी। आंकड़े से कैसे जाएंगे कोच नहीं बन रही है पूरे हम देख रहे हैं कि पिंडी के भी और कराची लाहौर में नई विकेट की तरफ हम जा रहे हैं तो किस तरह की ख्वाहिश है बतौर फास्ट बॉलर क्योंकि पाकिस्तान में विकेट फास्ट बॉलर से बड़ी मुश्किल होती है तो नई विकेट बनी क्या समझते हैं कि फास्ट बॉलर को ज्यादा हेल्प मिलेगी बेहतर फास्ट बॉलर की कर सकेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो ये है कि पाकिस्तान के आप जिधर भी जाए इवन हम अभी काउंटी खेल गया है तो अब यही सिर्फ बात होती है कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर इतने तेज और इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ये वजह है कि इधर से एक तो हमारे लेजेंड्स इतने माशाल्लाह फास्ट बॉलर हैं उन्होंने 500 आउट किए हैं तो जाहिर सी बात है विकटे नहीं बनेगी तो और अच्छे फास्ट बॉलर और बॉलिंग में और हमें भी मजा आएगा सीम और स्विंग मिलेगा बाउंस मिलेगा बट ये है कि जो ये विकटे थी ये भी काफी अच्छी थी जैसे टीम का हो वैसे जी। लेकिन हमारे स्लोक के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है दोस्ती है क्या आप सोचते हैं कि जिस तरह वसीम वकार की जोड़ी थी आमिर आसिफ की जोड़ी थी ये दोस्ती जोड़ी में तो देर हो जाती। देखिए दोस्ती तो काफ़ी अच्छी है लेकिन टीम में और भी बॉलर हैं जो मैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ बॉलिंग करूं। हसन है तो हसन के साथ मैं जब भी टेस्ट वनडे T20 में बॉलिंग करता हूं काफ़ी अच्छा मुझे फील होता है और वो काफ़ी हेल्प करते हैं मेरी बॉलिंग में और हारिस जाहिर सी बात है हारिस के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती है और उसको PSL में मैं उसके साथ था तो काफ़ी हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। बिल्कुल आई थिंक मैं मुल्तान में मैंने अंडर 19 का कैंप वगैरह भी किए थे उधर अंडर 19 के मैचेस भी खेले इंटरनेशनल T20 मैंने खेला है आई थिंक 2020 में मैंने नेशनल T20 खेला है। सो जाहिर सी बात है 14 साल बाद उधर मेरे हाथ से इंटरनेशनल मैच हो रहा है तो एक अच्छी बात है और उम्मीद है कि जैसे फैंस ने हमें और कराची पिंडी और लाहौर में सपोर्ट किया
तो यही है कि उनसे भी यही है कि उधर आके सपोर्ट करें, और एक तो कोविड के बाद है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी क्रिकेट नजर आएगी। मैंने परसों एक वीडियो लगाई थी उसमें बैटिंग कर रहा था, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरे चक्के भी नजर आएंगे। अगर वो बैटिंग करती है तो हम बॉलिंग कर लेंगे। देखिए मेरे ख्याल से वेदर के बारे में आप ज्यादा कह रहे हैं कि अगर बॉलिंग मिली तो डिपेंड करता है कि विकेट कैसी हो, और विकेट पे ज्यादा डिपेंड करेगा। जाहिर सी बात है हमारी यही कोशिश होती है कि हम 250 से नीचे नीचे आउट करें टीम को, तो यही हमारा गोल होता है। थैंक यू सो मच। शाहीन शाह आफरीदी जो कि इस वक्त सहाफियों के सवालों के जवाब दे रहे थे कजाफी स्टेडियम में। वेस्ट इंडीज के वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहे हैं, उसके हवाले से ही वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश